नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन 2 मिनट 10 बड़ी खबरों में। देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। 2019-20 में 4% की तुलना में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2020-21 में 7.3% रही। हालांकि जनवरी मार्च तिमाही चौथी तिमाही में जीडीपी 1.6% की दर से बढ़ी। भारत में लगातार 2 तिमाही में गिरावट के बाद अक्टूबर दिसंबर तिमाही तीसरी तिमाही में जीडीपी में 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई थी। सेंट्रल विस्टा का काम रोकने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ताओं पर लगाया 1 लाख रुपया जुर्माना। कोर्ट ने कहा ये एक प्रेरित याचिका है, न कि सच्ची जनहित याचिका। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का निशाना, कहा कोविड मैनेजमेंट में केंद्र पूरी तरह फेल। साथ ही सिसोदिया ने कहा दिल्ली सरकार की ये कोशिश है कि दिल्ली के सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर बीमारी की चेन को तोड़ा जाए। पंजाब कांग्रेस में बगावत, 25 विधायक दिल्ली पहुंचे, सीएम अमरिंदर के खिलाफ की मोर्चाबंदी। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के बाद से ही अनबन की खबरें आ रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान महज 3 मौत स्वीकार करने वाली योगी सरकार बैकफुट पर। पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोरोना से जान गंवाने वाले 1200 शिक्षक कर्मचारियों के परिवार को दिए जाएंगे 30-30 लाख रुपए। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हाहाकार, मरने वालों की संख्या 83 हुई। लगातार तीसरे दिन कल 20 लोगों ने जान गंवाई। शहरी इलाकों में भी 6 मौतें हुई। आंकड़ों को छिपाने में जुटी डीएम एसएसपी। डीएमओ के मुताबिक अब तक 71 लोगों के शवों का हुआ पोस्टमार्टम। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को उद्धव सरकार की सौगात, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन और नौकरी में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने पर लगाई थी रोक। अच्छी खबर, कोरोना की दूसरी लहर का कहर खत्म। 20 जून के बाद मामलों में तेजी से आएगी कमी। फिलहाल कल देश में 50 दिन बाद कोरोना के सबसे कम 1.5 लाख मामले सामने आए। लॉकडाउन से अवसाद 3 गुना बढ़ने का खतरा महिलाओं और युवाओं में पाया गया ज्यादा जोखिम। शोधकर्ताओं ने कहा सरकारों और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों को इस निष्कर्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। लक्षद्वीप में भगवा एजेंडे को थोपने की हो रही कोशिश, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लगाया आरोप। साथ ही मुख्यमंत्री बोले लक्षद्वीप के लोकतंत्र को नष्ट करने का चल रहा है काम। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।